और बढ़ते आगे, अग्निपथ स्कीम का नोटिफिकेशन जारी। थल सेना ने जारी किया है नोटिफिकेशन। दिसंबर में भर्ती होगा और अग्निवीर का पहला बैच 8वीं और 12वीं पास तक के लिए है। मौका अलग अलग ट्रेड में भर्ती का है अवसर। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। तो www.joinindianarmy.nic.in पर आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन होगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अग्निपथ स्कीम का नोटिफिकेशन जारी। थल सेना ने जारी किया है नोटिफिकेशन। दिसंबर में भर्ती होगा अग्निवीर का पहला बैच। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 8वीं से 12वीं पास तक के लिए मौका है। अलग अलग ट्रेड में भर्ती का अवसर है। वो वेबसाइट भी हम आपको बता रहे हैं जिस पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, जिसके जरिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। www.joinindianarmy.nic.in पर आप लॉग इन कर सकते हैं और इसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। तो अग्निपथ स्कीम को लेकर लगातार हंगामा भी जारी है और इसी बीच जो खबर आ रही है उसके मुताबिक इस स्कीम का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और थल सेना ने जारी किया है नोटिफिकेशन। दिसंबर में भर्ती होगा अग्निवीर का पहला बैच और इस बैच में 8वीं से 12वीं पास तक के लिए मौका है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। 8वीं से 12वीं पास तक के लिए जो मौका है, जो छात्र हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अग्निपथ स्कीम का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। थल सेना ने जारी किया है नोटिफिकेशन। दिसंबर में अग्निवीर का पहला बैच जो है वो भर्ती होगा, उसकी भर्तियां होंगी। अलग अलग ट्रेड में भर्ती का अवसर है। वेबसाइट दी गई है, उसके जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। joinindianarmy.nic.in पर आप लॉग इन कर सकते हैं और उसके बाद आप यहां पर ऑनलाइन भर्ती के लिए आवेदन दे सकते हैं। आप ऑनलाइन ही आवेदन दे सकते हैं। 8वीं से 12वीं पास तक के लिए मौका है और इसके साथ ही साथ दिसंबर में भर्ती होगा अग्निवीर का पहला बैच। तो वापस नहीं ली जाएगी अग्निपथ योजना, ये सेना की तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। देश की सुरक्षा के लिए अग्निपथ जरूरी है, ये सेना का बयान आया है। क्या कुछ बयान है वो हम आपको बता रहे हैं। अग्निपथ योजना पर भारतीय सेना का बयान, वापस नहीं ली जाएगी अग्निपथ योजना, सेना की तरफ से कहा गया है। देश की सुरक्षा के लिए अग्निपथ जरूरी है, हिंसा करने वालों को सेना में जगह नहीं दी जाएगी। किसी FIR में नाम तो उम्र भर सेना में एंट्री नहीं होगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है इस वक्त की।